It must be late again. Tommy, come on. It's always held up. अब तक आपने देखा कि एक ट्रेन एक्सीडेंट ने कैसे एक नादान बच्चे को एक टैंक इंजन बना डाला। थॉमस फर्स्ट बायोफ्यूज्ड इंजन माना जाने लगा, जिसके बाद टोफम हेड के जोर देने पर थॉमस के पिता और उसके दादाजी ने कई सारे बायोफ्यूज्ड व्हीकल्स बनाए, मगर सबके सब धीरे धीरे सोडोर आइलैंड के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। इंजिन या तो अपने आप मर जा रहे थे या फिर एक्सपेरिमेंट्स में मारे जा रहे थे। फायरमैन की उल्टिया और प्रोफेसर विल के मौत को देखते हुए शुरू करते हैं एपिसोड 2। वो है 2, वो है 4, वो है 6, वो है 8, करते हैं हर काम में बाट। लाल हरे भूरे नीले सबके सब है जोशीले, सब करते हैं अपना काम, चाहे पास हो या फिर दूर मकाम। कभी उतरे तो मुड़ के थॉमस एंड हिज फ्रेंड्स। सोडोर आइलैंड में अब एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा था। इस बार गॉर्डन के अंदर फ्यूल डाला गया। ये एक्सपेरिमेंट एक सीक्रेट था, बस टोफम हेड, डॉक्टर ओवन, फायरमैन और कुछ कर्मचारी मौजूद थे। एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड किया गया। अचानक गॉर्डन दर्द से चिल्लाने लगा और इससे पहले कोई कुछ करता गॉर्डन फट गया। गॉर्डन तो खत्म हुआ ही, साथ ही कई सारे कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। टोफम हेड ने सबको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट काफी डेंजरस था जिसे उन्होंने चुपके से अंजाम दिया। किसी ने हेरल्ड द हेलीकॉप्टर को यूज करने के लिए सजेस्ट किया, जिसके बाद हेरल्ड में फ्यूल भरा गया। तुरंत सभी घायल कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के अंदर डाला गया। सब डर रहे थे कि क्या हेरल्ड उड़ पाएगा या बाकियों की तरह जल जाएगा, पर इस इमरजेंसी सिचुएशन में हेरल्ड पर ट्रस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। ऑर्डर मिलते ही हेरल्ड ने उड़ने का कोशिश किया। ऐसा होना लाजमी था, क्योंकि हेरल्ड के वाइटल ऑर्गन्स रोटर से कनेक्टेड थे, तो जैसे ही रोटर घूमा उसके सारे ऑर्गन्स फट गए। पूरे सोडोर आइलैंड में बस एक ही बायोफ्यूज ट्रेन था जो अच्छे से काम कर रहा था, और वो था हेनरी। टेक्निकल इश्यूज के कारण एक दिन गलती से हेनरी को शेड 17 में भेज दिया गया। हेनरी ने शेड 17 को बस बाहर से देखा और फिर वहां से भाग गया। हेनरी ने शेड 17 में कुछ ऐसा देखा जो ना ही वो बता पा रहा था और ना ही अपने अंदर दबा पा रहा था। एक दिन हेनरी टोफम हेड के ऑफिस पहुंचा। उस 10 मिनट उन दोनों के बीच क्या बातें हुए वो आज भी एक राज है। उस रात हेनरी ने थॉमस को शेड 17 से दूर रहने को कहा, जिसके ठीक अगले दिन हेनरी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। हेनरी जिंदा था, पर दोनों ड्राइवर्स जमीन पर मरे पड़े थे। टोफम हेड एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचकर हेनरी को कहता है कि वो उसे क्रू में भेजेगा, जहां उसकी मरम्मत करके उसे वापस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेनरी बना दिया जाएगा। टोफम हेड ने सरासर झूठ बोला। क्रू में इंजिन की मरम्मत नहीं बल्कि उनके पार्ट्स को खोलकर रिसाइकल किया जाता है, और तो और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। टोफम हेड को एक्सीडेंट से पहले स्पॉट पर देखा भी गया था। एक्चुअली टोफम नहीं चाहता था कि हेनरी शेड 17 के बारे में किसी को भी बताए, तो उसने हेनरी को हमेशा के लिए ट्रैक से हटा दिया।
हेनरी के चले जाने के बाद थॉमस बिना कुछ सोचे शेड 17 की तरफ बढ़ने लगा। शेड 17 के अंदर पहुंचते ही थॉमस ने बहुत सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के मटेरियल्स को देखा। एक्चुअली ये कभी थॉमस था ही नहीं। रियल थॉमस तो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इमीडिएटली मर चुका था। थॉमस के पिता और उसके दादाजी प्रोफेसर विल थॉमस के डीएनए को यूज करके एक साल तक कई सारे थॉमस इंजिन बनाने की कोशिश किए, मगर सब फेल हो गया सिवाय इस थॉमस के। तो बेशक थॉमस द टैंक इंजन के पास मरे हुए थॉमस की मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस है, पर वो रियल थॉमस नहीं है। इसके अंदर एक और थॉमस है जिसे केमिकल्स की मदद से खत्म किया जा ही रहा था कि तभी उसने कांच को तोड़ दिया और केमिकल पूरे शेड 17 में फैल गया। केमिकल के फैलने के कारण थॉमस का ये हालत हुआ और ये वाला थॉमस यही पे मर गया। थॉमस की दर्द भरी चीख को कुछ सोडोर आइलैंड के सिटीजन्स ने सुन लिया और तुरंत उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। रातों रात टोफम हेड अपने सारे पैसों को लेकर भाग गया और फिर उसे कभी देखा नहीं गया। तुरंत सोल्जर्स आए और जो भी थ्रेड्स उनको मिला उन्होंने सबको न्यूट्रलाइज किया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बायोफ्यूजन ट्रेन्स बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में फैल चुका था। पैसों की लालच में टोफम हेड ने फॉर्मूला को बहुत सारे देशों को भेज दिया और तो और कई सारे लोग बायोफ्यूज ट्रेन्स बनने के लिए खुद को वॉलंटियर तक करने लगे।